अत्यम इस्लामिक चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अत्यम इस्लामिक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है दियानतदारी। दियानतदारी को आम जिंदगी में ईमानदारी कहते हैं। इंसान को कभी भी पैसों के मामले में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मम्मा ने मुझे बाजार से सौदा लाने के लिए 100 रुपए दिए। मैं दुकानदार से 50 का सौदा लेकर आया और 50 रुपए वापस कर दिए, तो ये ईमानदारी है। और अगर मैं मम्मा से ये कहता कि सौदा तो 60 का मिला है और अगर 10 रुपए खुद रख लेता, तो ये ईमानदारी नहीं बल्कि बेईमानी है। बददियानती इंसान को माशरे में बेतिबार बना देती है। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि फला शख्स की आदत झूठ बोलने की है और फला शख्स धोखेबाजी से काम करता है, तो लोग उस पर एतबार नहीं करते। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता। अल्लाह ताला की खुशनुदी तो उसके बंदों की खुशनुदी से हासिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम ही अमीन और सादिक मशहूर हो गया था। यही वजह थी कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी इमानतें रखवाते थे। सुभान अल्लाह। दयानतदारी का मफहूम ये भी है कि इंसान पर अल्लाह ताला और उसके बंदों के जितने भी हुकूक हैं, इनको पूरा करना। दयानतदारी से इज्जत और बेईमानी से जिल्लत मिलती है। अब इस बात के साथ अपनी वीडियो खत्म करता हूँ कि ईमानदार की हर कोई इज्जत करता है और हर कोई इस पर एतबार करता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।